रात 12 बजे पहाड़ों की सड़कों पर निकल चले हैं चार लोग, कुछ नहीं दिखाई दे रहा दूर दूर तक, सबके सिम खराब हो चुकी है। वीडियो बना रहा हूँ मैं, बस पता नहीं क्यों। कीप मूविंग कैजुअली, ट्रक खड़ा है इधर मुंह करके। हम मुंबई से आए, मैं एक भैया केरल से आए रहे, मैं केरल से फिर उसके बाद 2 दिन मुंबई रुके, मुंबई के बाद दिल्ली, दिल्ली से हम जा रहे हैं धाम। नहीं धाम जा रहे भैया, धाम जा रहे है, अभी दिख नहीं रहा है कुछ, बाद में बात करते हैं। तो भाई हम जा रहे हैं बद्रीनाथ। मेरा तो पहले से डिसाइडेड था कि मैं जाऊंगा, और कपिल भाई और मैंने सोच लिया था कि हम दोनों पहले ही जाएंगे, और स्वैगी भाई का मेरा अभी अभी बनाया, अभी अभी प्लान बना है बिल्कुल अभी अभी। और लक्की भाई का, लक्की भाई को भी बताइए कि चल रहे हैं। पेट्रोल भराने के लिए रुके हैं अभी, 230 का पेट्रोल भराने के लिए रुके हैं और बैग चेक कर रहे हैं कौन क्या लाया अपने घर से। और भाई भाई को देखने के लिए भीड़ जुड़ चुकी है पूरी। ध्रुव जी मैं कह रहा हूँ भाई आज नहीं हो पाएगा, वो छुट्टी पे लड़का। विराट कोहली का, और आप इसमें आते में क्या कहना चाहेंगे? विराट भाई के सामने कोई बोल सकता है क्या? विराट भाई पीछे रामदेव आ रहा होगा, रामदेव अभी ना आ रहा, पीछे रहेगा। और हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार, वो शतकीय पारी लिखी और उसके बाद वो सेलिब्रेशन हो रहा है, मस्तक हो सबके। हरिद्वार पहुंच चुके हैं, विराट कोहली की सेंचुरी हो चुकी है, ये पारी और हास रही है। छोटे से ब्रेक के लिए दूध और इमरती खाने के लिए। इमरती ही और रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं दूध, मलाई रोक के, छुआरे ठोक के, ऐसा कुछ तो पचास किलोमीटर रोज चलने के बाद चाय ब्रेक के लिए रुके हैं यहाँ पे। लाइट है, ये सो रहे हैं, खोल दे इसको। अंदर की लाइट बोल रहा हूँ, अंदर की ये बंद कर दो। ये वाला पहाड़ गिर गया, इसे हटा रहे हैं अभी। यहाँ भैया ने हमारी जान बचाई है, बस क्या बताऊँ, एम्बुलेंस भी आ गई, दो तो दब गए। भाई बहुत बुरा हुआ, रेस्क्यू टीम जा रही है भाई, रेस्क्यू टीम जा रही है कि
और अब पूरा अपडेट हम देंगे इन भाइयों को कि आगे क्या हो रहा था, किस वजह से हम रुके हुए थे। मिया मिला आराम से चलाना थोड़ी यहाँ पे। बाय भैया, थैंक यू। एक और ब्रेक के लिए रुके हैं कुछ खाने के लिए। फुल में कितने? तीन। रात 12 बजी, पहाड़ों की सड़कों पर निकल चले हैं चार लोग। कुछ नहीं दिखाई दे रहा दूर दूर तक, सबकी सिम खराब हो चुकी है। वीडियो बना रहा हूँ मैं, बस पता नहीं क्यों। कीप मूविंग कैजुअली। ट्रक खड़ा है इधर मुंह करके। हम मुंबई से आए, मैं भैया केरल से आए रहे। मैं केरल से फिर उसके बाद दो दिन मुंबई रुके, मुंबई के बाद दिल्ली, दिल्ली से हम जा रहे हैं दाम। दिल्ली दाम जा रहे भैया, दिल्ली रुके थे, दिल्ली दाम जा रहे। अभी दिख नहीं रहा है कुछ, बाद में बात करते हैं। अब रुके हैं भाई यहाँ पे रात के स्पेस होटल में। मैं कह रहा आगे चलते चलते भैया इसी रोड पे मिल जाएगा आगे। बढ़िया तो है ना, कोई नाम बता दो। नहीं मिल जाएंगे साइड पे, इस ऊपर के रास्ते मिल जाएंगे। मैंने कह तो भैया सारे कमरे बुक हैं, मेन रोड मेन हाईवे पे ही है, मिल जाएगा। बढ़िया रूम है ना भाई? हां सस्ते मिल जाएंगे, बहुत सस्ते का ना रूम ठीक होना चाहिए। हां मिल जाएंगे। सुनो कबील भाई, एक बार बता दो कितनी देर से इस होटल के लिए बता दें हम कि यहीं रुकेंगे। जब से चले, जब से श्री कृष्ण नहीं देख रहे। तुम कार्ड ले लो ना भैया, कभी आओगे तो फोन कर लेना। अभी ऊपर जा रहे, फिर नीचे तो आएंगे हम। तो मैं भी यहाँ का लगाया दिल्ली से। जा कहाँ रहे हो? बड़ा जाएंगे, आए तो नीचे आओगे ना। अब तो फिर तो वो फिर तुम डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ से बद्रीनाथ कितनी दूर है? 2.5 घंटे देखो सींग भाई, दूर कर लियो, स्क्रैच ना आ जाए गाड़ी पे। अरे दूर ही है, मुझे पता है ना कौन है गाड़ी में। वो बंद हुआ इसकी। इस होटल में और रूम चेक किया था, लेकिन इसमें जेट नहीं था, तो जेट की वजह से हमने कैंसिल कर दिया। कमरा तो ठीक था, लेकिन जेट नहीं था कमरे में, तो सुबह दिक्कत होती। इश्यूज बहुत हैं यार, जेट का इशू भी तो होटल में आए हैं, बताया गया इसके जेट ठीक है। सो के दिखे हैं तो चाचा गोलू पापा। अरे जेट तो ये भी ठीक है, इधर से तो नॉइस के इनपुट क्या जाए। बीस मिनट में गेट खुला भाई, 20 मिनट में। क्यों झूठ बोल रहा है? तरवा होटल है, यहाँ आए हैं रूम चेक करने। 16 होटल तो फुल मिले हैं, इसके ताले लग गए, छापा लग गया। यहाँ तो देखो ना, वो ताला लग रहा। यहाँ तो पुलिस का छापा लग गया, सीज है। हाँ नहीं है भाइयों, ये 18वां होटल था जहाँ हम रुक के हमने कमरा पूछा है। चलो भाई आगे चलते रहो, बद्रीनाथ होटल पे रुकेंगे अब तो। होटल था इसका, हमें गेट ही ना मिला। 19वां होटल देख लो अब तक हमने, 19वां 20वां 19वां यहाँ गेट ना खोल रहे भाई। हेलो भैया, कोई होटल में है? हेलो भाई, कोई है? मोटरसाइकिल तो खड़ी है।
हमको लास्ट में कमरा मिल गया क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, नौ का पार नहीं होती। और अगर ये नहीं होता तो हम कार नहीं होती। ऐसे लगा दे, कमरा मिल ही गया, थोड़ा महंगा मिला, 8,000 रुपये में कमरा मिला है, लेकिन कोई नहीं, रात ज़्यादा हो रही थी तो हमें रुकना भी था। होटल मिल चुका है और जेट इस्तेमाल हो रहा है, अभी अंदर चेक कर रहे हैं उसको। भाई थक के सो गए और भाई भी अभी थक के सोएंगे। और मैं अभी यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ, देखो लड़ियाँ और ये नदियाँ, यहाँ का मिलन।